वीके न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, दिल बोलेगा देश सुनेगा। स्वागत है आपका वीके न्यूज में और आपके साथ मैं हूं तनु। रामनवमी के मौके पर देश के कई राज्यों से सांप्रदायिक झड़पों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई। रामनवमी के मौके पर निकाले गए शांतिपूर्ण जुलूस के दौरान मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान से हिंसा की अलग अलग घटनाएं सामने आई। वही रामनवमी पर मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा को लेकर शिवराज सिंह सरकार एक्शन मोड में नजर आई। इतना ही नहीं, हिंसा के बाद शिवराज सरकार आरोपियों पर सख्त कार्रवाई भी कर रही है। वही खरगोन में मामा का बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिसके तहत अतिक्रमण करके बनाए गए मकान और दुकान तोड़ी जा रही है। इसी बीच खरगोन में प्रशासन का बुलडोजर एक ऐसे घर पे भी चला जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाया गया था। एक अंग्रेजी अखबार की खबर के अनुसार जिन घरों को तोड़ा गया उसमें बिरला मार्ग पे स्थित पीएम आवास स्कीम के तहत बना हसीना फारूक का घर भी शामिल था। बताया जा रहा है कि हसीना फारूक के नाम पर उनके पति की मृत्यु के बाद रजिस्टर किया गया था, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के मूल लाभार्थी थे। जानकारी के लिए बता दें कि यह घर खरगोन में रामनवमी के मौके पर निकाले गए शांतिपूर्ण जुलूस के दौरान के बाद जिला प्रशासन द्वारा अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई बताकर उठाए गए कदम के तहत ध्वस्त किए गए। 12 घरों में से एक है। गौरतलब है कि रविवार को इस झड़प के बाद शहर के 4 स्थानों पर 16 घर और 29 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम ताजा खबर जानने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।